आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 24 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। योगी सरकार ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में यह अध्यादेश पास किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे, जिससे लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लाया गया है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया था। इस मसौदे को परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया गया था। हालांकि विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। मंगलवार की सुबह यूपी कानून आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने भी कहा कि दो अलग अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन नए कानून में व्यवस्था अवैध रूप से धर्मांतरण को लेकर है। इसमें 3 साल, 7 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के जरिए अवैध रूप से धर्मांतरण कर शादी करने पर रोक लगेगी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए वैक्सीन का इंतजार हो रहा है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन के कई कैंडिडेट हैं जो ट्रायल में बेहतर परिणाम दिखा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश को शायद फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दोहराया कि भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फाइजर के टीके की आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि देश में अन्य वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है जो अब तक सेफ्टी ट्रायल्स में आशाजनक परिणाम दिखा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिकी नियामक प्राधिकरण ने भी अभी तक इसकी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि अगर फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल भी जाती है तो इसके निर्माता दूसरे देशों को वैक्सीन की आपूर्ति करने से पहले अपनी स्थानीय आबादी को वैक्सीन मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। भारत में अभी तक कम से कम वैक्सीन के 5 कैंडिडेट हैं जिनके कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जारी है। इनमें से 3 वैक्सीन तो सेफ्टी और प्रभाव साबित करने के लिए दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल में हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल कर रहा है। वहीं भारत बायोटेक के कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण आरंभ हो गया है। कोवैक्सीन के दूसरे चरण का नतीजा कभी भी आ सकता है। दवा बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कोविड-19 के लिए अपनी वैक्सीन को अगले वर्ष दूसरी तिमाही में पेश करने की योजना बना रही है। इसके अलावा कैडिला हेल्थ की वैक्सीन ZYCoV-D ने भी दूसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है और परिणाम का इंतजार हो रहा है। इस वैक्सीन के फॉलोअप का समय भी अब खत्म होने वाला है। इन तीनों के अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए भारत के डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशालाओं ने रूसी वैक्सीन डेवलपर्स के साथ करार किया है और इस पर इस सप्ताह से काम आरंभ हो जाएगा। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA ने केंद्रीय ट्रेड यूनियंस की 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की घोषणा की है। AIBEA ने मंगलवार को बयान में कहा कि लोकसभा ने हाल ही में संपन्न सत्र में 3 नए श्रम कानूनों को पारित किया है और कारोबार सुगमता के नाम पर 27 मौजूदा कानूनों को समाप्त कर दिया है। ये कानून शुद्ध रूप से कारपोरेट जगत के हित में है। इस प्रक्रिया में 75% श्रमिकों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। नए कानूनों में इन श्रमिकों को किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा।
भारत ने मंगलवार को जिन 43 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें स्नेक वीडियो भी शामिल है। स्नेक वीडियो एक चाइनीज ऐप है जो टिकटॉक पर बैन के बाद तेजी से लोकप्रिय होकर उसका स्थान ले रहा था। इसके अलावा ताजा लिस्ट में वीडेट, ट्रूली चाइनीज, चाइना लव समेत तमाम डेटिंग ऐप्स शामिल हैं। भारत अब तक 267 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा चुका है। जून के आखिर में जब पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर था, तब सबसे पहले टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन की गाज गिरी थी। इन ऐप्स पर जब बैन लगा तब उनसे जुड़ी कंपनियों ने उन ऐप्स के क्लोन्स बना लिए, जैसे टिकटॉक का टिकटॉक लाइट, हेलो का हेलो लाइट, शेयर इट का शेयर इट लाइट। इसके बाद सरकार ने 27 जुलाई को 47 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया, जिसमें से ज्यादातर या तो पहले से प्रतिबंधित ऐप्स के क्लोन थे या फिर उनसे मिलते जुलते थे। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS ने केरल सरकार द्वारा पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन करके अध्यादेश लाने का मंगलवार को कड़ा विरोध किया और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से उसे वापस लेने एवं प्रेस की आज़ादी बहाल करने की अपील की। एक बयान में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष एल आदिमूलम ने केरल सरकार द्वारा जारी अध्यादेश पर निराशा एवं स्तब्धता प्रकट की। केरल सरकार ने मान हानिकारक समझी जाने वाली सामग्री के प्रकाशन को लेकर कठोर दंड के वास्ते पुलिस अधिनियम में संशोधन किया है। INS का कड़ा बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने विभिन्न वर्गों की आलोचना के मद्देनजर इस संशोधन के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। INS अध्यक्ष ने कहा कि समाचार पत्रों का संगठन इस सख्त अध्यादेश को जारी किए जाने का कड़ा विरोध करता है, जो संविधान प्रदत्त प्रेस की आज़ादी का इस्तेमाल करने पर केरल में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया को परेशान करने और उन पर मुकदमा चलाने की पुलिस और राज्य सरकार को निरंकुश शक्तियां प्रदान करेगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर हमारे पास पर्याप्त आंकड़े हैं, हमें पूरी तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि लोगों में पहले खौफ था, फिर लोगों में एक दूसरे के प्रति संदेह हुआ, अब लोग बीमारी के प्रति गंभीर हैं और एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग महसूस कर रहे हैं कि वायरस कमजोर हो गया है। PM मोदी ने याद दिलाया, आपदा के गहरे समंदर से निकले हैं हम और किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी कश्ती वहां डूबे जहां पानी कम था, ये स्थिति हमें नहीं आने देना है। उन्होंने कहा कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था वहां तेजी से बढ़ रहा है और देश में भी कुछ राज्यों में यह स्थिति चिंताजनक है। दरअसल भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आगे के रोड मैप पर मैराथन मीटिंग ली। बैठक में उन सूबों के CM शामिल थे जहां पर हाल फिलहाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। PM ने इस दौरान वैक्सीन के आने के समय, डोज और कीमत आदि से लेकर अन्य चीजों पर अपनी बात रखी। इसी के साथ उन्होंने साफ किया कि कोई भी अपना विचार थोप नहीं सकता है और सभी को मिलकर काम करना होगा। राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना वायरस दोबारा तेजी से कहर ढा रहा है तो दूसरी तरफ सुरक्षा उपायों के उल्लंघन की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली सरकार मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2,000 रुपए का जुर्माना लगा रही है। इस बीच BJP ने कुछ तस्वीरें जारी कर आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक शादी समारोह में बिना मास्क लगाए शामिल हुए हैं।
पार्टी का दावा है कि यह तस्वीरें सोमवार की है। बीजेपी ने तस्वीरें शेयर कर पूछा कि इनका चालान कटेगा या नहीं, क्या उप मुख्यमंत्री नियमों से ऊपर हैं। हाल ही में मनीष सिसोदिया लोगों के बीच मास्क बांटते और कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाते हुए दिल्ली के इलाकों में नजर आए थे। दिल्ली बीजेपी ने तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, सीएम साहब ये आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और ये कल की तस्वीर है। न मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन इनका चालान नहीं कटेगा क्योंकि आप और आपके नेता खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। चालान केवल जनता भरेगी और आप उस पैसे से विज्ञापन देंगे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 24 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 25 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE.com इसके बाद डॉट लगाकर YouTube.com आप खोलेंगे, YouTube आपका खुल जाता है। YouTube में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।